हेलो संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा, जैसा कि मैं पहले बताया कि मैं अभी दिल्ली में आया हुआ हूं और दिल्ली में ही अभी रह रहा हूं, तो खाली बैठा हुआ था, फ्री हूं, तो सोचा कुछ गा करके आपको मैं दूं। ये ट्रेनिंग सेशन जैसा नहीं है, मैं आपको कुछ खास सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मैं एक भजन अभी गाने जा रहा हूँ, हे राम जगजीत जी का गाया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। और मेरे पास एक कीबोर्ड है, यहाँ पर एक मेरा स्टूडेंट हरमीत है, वो एक कीबोर्ड ला करके मुझे यहाँ रख दिया है ताकि किसी भी समय स्टूडेंट लोग बजाए और मुझे भी बजाने का मन हो तो मैं बजा सकूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई भी इंस्ट्रूमेंट साथ में नहीं आया है, मेरा फ़ोन है और लैपटॉप है। तो मैं सोचा बैठे बैठे आप लोगों को कुछ सुनाऊं ताकि आप लोग उसका आनंद ले सकें और क्रम जारी रहे कुछ। तो मैं ये भजन गाने जा रहा हूं और इस कीबोर्ड पर ही मैं कुछ रिदम डाल रहा हूं, उस रिदम के साथ गा रहा हूं। मेन बात जो आप फोकस करेंगे इसमें कि हे राम जब हम गाते हैं तो उसको भाव से, फीलिंग से कैसे गाएं और उसमें क्या क्या किया जा सकता है, कुछ हद तक मैं कोशिश करूँगा आपको बताने का। इसमें आप उसे बस केवल सुने, मैं बीच में रोक करके कोई ट्रेनिंग नहीं देने जा रहा हूँ इसमें, तो आप जस्ट उसे सुनेंगे और आनंद लेंगे, ठीक है। आइए मैं सबसे पहले रिदम लगाता हूँ इसमें, ये रिदम चल रहा है इसमें, और इसके साथ साथ मैं ये डालता हूँ थोड़ा सा। ये स्केल है F शार्प। अब आप इसमें गौर करिए कैसे इसको कैसे गाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मान लीजिए म्यूजिक लेते हैं, राधा का श्याम, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम, thank you.
दाता विश्व विधाता, तू जग दाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम हे राम हे सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, सारे काम इस जग के सारे काम, हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम, 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 हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। तो ये भजन है, आप इसका आनंद लें और फिर दूसरे वीडियो में आपसे मिलूंगा। अच्छा लगे कमेंट करें, निश्चित रूप से चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं कभी कभी अभी जब तक मैं दिल्ली में हूँ तब तक कुछ गा करके आप लोगों को सुनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसमें से भी आप कुछ सीख सकें किस तरह से किसी भी लाइन का वेरिएशन बनता है। जब हमें राग पता होता है, जब हमें टेक्निक पता होता है नोट्स का, तो हम उसे बहुत तरह से गा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा रिकॉर्ड में बहुत सिंपल सा है, जगजीत जी ऑब्वियसली बहुत अच्छा गाते हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है उनकी, केवल आवाज़ ही बहुत ही मधुर है और गायकी तो बहुत ही अच्छी है ही उनकी, लेकिन और भी बहुत सारे काम हम लोग भी कर सकते हैं उसमें, अगर हमें राग का पता हो, ट्यून का पता हो, कंपोजिशन का पता हो, तो उसे हम और भी सुंदर बना सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं बस यही कोशिश कर रहा हूं कि आप ये समझ सकें कि किस तरह
किसी भी भजन में वेरिएशन बनाते हैं, किस तरह उसे और डेकोरेट किया जा सकता है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा मैं, तब तक के लिए नमस्कार।